सहारा मैरिज हॉल मुमरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। ये दोनों भाई मुस्लिम है, कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी पहने, बिना वजह मारो बोलते जय श्री राम बोलो। दिख रहा है पूरा हाथ, तो सब चीर चार दिए, चूड़ी फोड़ लिया, मेरा हाथ धक्के खींच लिया था अंदर। ये देखो यहाँ पे लगा, चेहरे पे दिखाओ भाई। मासूम लड़कियाँ इनको मारे, हमारी माँ बहनों पे हाथ उठा रहे, हिंदू मुस्लिम करोगे भाई तुम लोग। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के भाई खल्ला इलाके में कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने मुस्लिम लड़कों से जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और जब नारे नहीं लगाए तो इनके साथ मारपीट की गई। यहां तक कि एक लड़की के साथ भी बदतमीजी और उसे मारा गया। ऐसा ट्वीट करके एमआईएम के नेता वारिस पठान ने ये जानकारी सार्वजनिक की है। ट्वीट में बताया गया है कि एमआईएम की टीम मौके पर पहुंच गई और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में भी अब इस तरह के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं जिसमें जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और नारे न लगाने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है। वारिस पठान ने हिंदू सभाओं और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाते हुए लिखा है कि भड़काऊ भाषण का ये नतीजा है जो आज महाराष्ट्र के वातावरण को खराब कर रहा है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है और कुछ लोगों को फौरन हिरासत में भी लिया है। वहीं वारिस पठान ने ट्वीट में CMO महाराष्ट्र और DGP महाराष्ट्र को भी टैग करते हुए इस मामले को संज्ञान में लेकर भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भाई हम लोग भाई बाइकल्ला में खड़े, नाम क्या भाई तुम्हारा? नाजिर। और तुम और कौन है भाई दूसरा? तुम्हारा नाम क्या है? करमुल्ला। भाई दोनों मुस्लिम है भाई जी। ये दोनों भाई मुस्लिम है, कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी पहने, यहाँ पे कुछ लोग आए, ये बच्चे को बेचारे को मारे, ये दोनों इंसान को मारे, बिना वजह मारो बोलते जय श्री राम बोलो। अरे काय को जय श्री राम बोलो, काय को जय श्री राम बोलो, काय को बोलो जय श्री राम, क्या वजह? हाँ दाढ़ी देखेंगे तो मारेंगे, खून निकाले इसके मुंह से, दारू पी के भाई इसको मार रहे, काय को मारेंगे इन लोग? मुंह दिखा भाई, तुम्हारे काका पे लगा है बेचारे का पूरा होठ फाड़ डाले, सर पे मारे इसको, ये बेचारे को ही मारे, तुम्हारे को मारे क्या भाई? किधर पे मारे बताओ? ये देखो यहाँ पे लगा, चेहरे पे दिखाओ भाई, चेहरे पे लगा है, पूरे चेहरे पे इनके लगा, इनको मारे, जबरदस्ती मारोगे भाई तुम लोग क्या? जय श्री राम, जबरदस्ती बुलवाओगे तुम लोग? हम लोग बुलवाते क्या अल्लाह ऊपर? हिंदू मुस्लिम करोगे भाई तुम लोग? भाई ठीक है, वो अभी कंप्लेंट करेंगे तुम इतना। अरे भाई पुलिस भी उन लोग की साइड है भाई, ठीक है भाई, जज्बात में मत आओ भाई, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी थोड़ा ठंडा करो। हम लोग तो हम लोग तो जाएंगे। मेरे लड़की को मारे, आपको मारेगा? कहाँ पे मारे आपको? कहाँ पे लगा था आपको? ये देख रहा है पूरा हाथ, तो सब चीर चार दिए, चूड़ी फोड़ लिया, मेरा हाथ धक्के खींच लिया था अंदर। और कहाँ पे लगा? थोड़ा लाइट में आओ ना, लाइट में आओ ना थोड़ा। आपा चप्पल मारे आपको भी, चप्पल भी निकाल दिए, बाल खींच के मारे, दारू पीने का तो मतलब मुसलमान को पकड़ के जबरदस्ती कुछ भी बुलवाने का। जय श्री राम बोलो, ये सब करो। मासूम लड़कियां इनको मारे, हमारी माँ बहनों पे हाथ उठा रहे, ये सही नहीं है, हमको तुम हाथ, ये गलत है, गलत बात बोल रहा है। तेरे पास माँ बहन है कि नहीं? इसके पास अपनी माँ बहन होती, दूसरे की माँ बहन पे हाथ नहीं उठाते। पुलिस वाले आके बोलते कि वीडियो हमारे को दो, वीडियो मत बनाओ। जब बीजेपी RSS वाले लोग मुसलमानों को देख के, दाढ़ी देख के, कुर्ता पजामा देख के मारना शुरू कर देते,